आज जो इंटरव्यू हम देने जा रहे हैं, इसमें इंटरव्यू ये है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कई देश के दौरा कर चुके हैं और दौरा के अंडर में उन्होंने देश विदेश की उद्योगपतियों को इंडिया बुलाना चाहते हैं। उसमें हमारी कंपनी ख्वाजा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो अभी नीदरलैंड में उसका ब्रांच खुली है, और वहां के कंपनी के साथ हमारा जो है अपना टचअप हुआ है, जो कि इंडिया में पहला कंपनी सत्तम फ्लावर मिल 6000 में हमने लिया। आज के 12 साल पहले हमने लिया उस सत्तम फ्लावर मिल ख्वाजा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड जो है एग्रीमेंट कराया और लीज पर लिया। उस कंपनी को हम 18 में चालू करने जा रहे हैं, जून तक, मार्च अप्रैल मई जून तक जो है चालू होगी। जो बाहरी पैसा रहेगा, इंडिया से बाहर के पैसे, इंडिया के बाहर लोग आएंगे और उसको हम नया इजाद करने जा रहे हैं। इंडिया गवर्नमेंट का जो स्कीम आया है कौशल विकास, उस तरह के विकास के नाम पर पहला सीवान एक जगह है जहाँ को सप्तम फ्लावर मिल एक ही फैक्ट्री है जो बंद है, 20 साल से बंद फैक्ट्री को हमने उसको अब चालू करने के नियत कर लिया, जिसमें हमारे बिहार सरकार के उद्योग मंत्री जय कुमार सिंह का भी है कि भाई नया जो बंद बड़ा उद्योग हो चले, उसमें बिहार सरकार के नीतीश कुमार हो या हमारे मोदी जी हो, सबका है कि बिहार में कुछ इंडस्ट्री चले। तो पहला इंडस्ट्री हम अपने तरफ से हमारी कंपनी सत्तम फ्लावर मिल जो बंद पड़ा फैक्ट्री है उसको चालू करने जा रही है मई से जून तक। वो कंपनी में इन्वेस्टमेंट जो है नीदरलैंड जर्मनी के कुछ उद्योगपतियों का इन्वेस्ट होगा जो हम करने जा रहे हैं, और उसके लिए हमारा बेटा अभी जर्मनी में नीदरलैंड में अपना दौरा कर रहा है और उसको हम बहुत जल्द चालू करने जा रहे हैं। इसलिए हम आपको इंटरव्यू दे रहे हैं कि इसको मीडिया के थ्रू, पेपर के थ्रू, मैगजीन के थ्रू ये जाए कि हमारे देश के इंडिया की सरकार पहला ख्वाजा कंपनी से, ख्वाजा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो करने जा रही है सीवान में, वो ख्वाजा का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए हम जो भी जारिन जाते हैं उनको हम कहते हैं भाई ख्वाजा के लिए दुआ करें। तो अब ये फैक्ट्री हम सीवान में 2-4 महीने में चालू करेंगे और उसका डिटेल जो है हम आपको दे देंगे कि भाई ये हमारा डिटेल है, इस आधार पर आप चाहिए। तो उस फैक्ट्री पर क्या रहेगा उन लोगों, उसमें आप सबसे पहले तो उसमें 700 आदमी का रोजी टूटेगा जी, 600 से 700 आदमी का रोजी टूटेगा। उसमें आटा बनेगा, उससे सूजी बनेगा, मैदा बनेगा, चोकर बनेगा, ये जो है हम एक्सपोर्ट करेंगे जर्मनी या जो है नीदरलैंड, और नहीं तो हमारा ये जाएगा जद्दा, एक सऊदीया का जगह है जो जद्दा भी हम भेजेगा, 3 जगह का हम रजिस्टर करा रहे हैं वहां भेजेंगे। तो आप आटा बनाने की बात सोच रहे हैं, ऐसे में रामदेव और भी कई कंपनियां आटा बना रही है, तो ऐसे क्या कंपटीशन आपको लगेगा? हमारा कोई किसी से कंपटीशन नहीं है, ख्वाजा हिंद का बादशाह है जिसको कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मानता है, और उनके नाम पर भारत सरकार हमको रजिस्टर दिया है, और भारत सरकार का योगदान है कि आज हमारा नीदरलैंड में भी ऑफिस हो गया, और नीदरलैंड में ऑफिस खुल जाने से ये फायदा हुआ कि अब हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने इंडिया का सामान हम विदेश में भेज सकते हैं। पहला कंपनी हमारी होगी, मैंने इस तरह का कि बिहार से अब तक जूस जाता था, फल जाता था, लीची और आम जाया करता था, इस बार हम आटा जो है बनाकर अपने बिहार का गेहूं का आटा पंजाब भेजेंगे। इसलिए हम अपने गांव के किसानों से, अगल बगल किसानों से गेहूं खरीदेंगे, पंजाब से लेंगे, हरियाणा से लेंगे, और उसका आटा बनाकर उल्टा गंगा को बहाएंगे नीदरलैंड के लिए। ये हमारा सोच है, इस सोच में अगर मीडिया हमारा साथ रहा तो हम देश के प्रधानमंत्री का सोच और हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर का सोच को आगे बढ़ाएंगे। ये दोनों का सोच जो है हम बढ़ाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री एक रोज यही सोते हैं, रात दिन देश विदेश में घूमते हैं कि हमारे उद्योगपति आए, उसमें एक पहला श्रेणी हम होंगे जो हमारे साथ 26 मुल्क के जो है लोग इंडस्ट्रीज में हमारे साथ आ रहे हैं, और 26 देश के लोगों से हमारा कांटेक्ट चल रहा है। और एक अभी नया हमारा इंडिया के बगल में नेपाल है, वो आज तक राष्ट्रपति और प्रधान हुआ करते थे, कल या परसों 2 दिन पहले वहां सीएम बने हैं बिहार में, नेपाल में तराई क्षेत्र का सीएम बना, इसलिए हमारा माल नेपाल भी जाएगा बगल का बॉर्डर में। ये आपका ख्वाजा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ऐसा काम करने जा रही है कि जो देश में कोई आज तक नहीं किया हो। सर आपको विदेशों की बात कर दिए, इंडिया की जनता के लिए आपके आटा कितना है? इंडिया का हमारा सीएम, हमारे पीएम का सोच है, उस सोच के साथ हमारा भी सोच है। जब पीएम आप रात दिन मेहनत करके लोगों को जगा रहे हैं, नौजवानों को जगा रहे, कौशल विकास लाए, क्या क्या लाए, उसमें हमारा बेटा भी निकला उनके नशल कदम पर, अब वो जो है देश दुनिया में घूम कर स्कीम लाया है, उस स्कीम को हम पालन करने जा रहे हैं, जो पालन कर रहे हैं वो आपके सामने है।
कि जो सीवा में छोटा सा जगह है और वहाँ एक ही फैक्ट्री है जो आपका आटे का, उसको आप चालू करने जा रहे हैं विदेशी नीति के मुताबिक, बिहार हिंदुस्तान की जो नीति है और विदेशी नीति, दोनों नीति मिलाकर इस काम को हम करने जा रहे हैं। इसमें आप लोगों को सहयोग हुआ तो बहुत कुछ आगे बढ़ेंगे। तो ख्वाजा एग्रो और नया क्या करने वाली है? अभी ख्वाजा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड सबसे पहले ये करने जा रही है कि दिल्ली में प्रदूषण मुक्त करने के लिए सारा सारा तैयार कर लिया है। दुबई और रशिया का सहयोग से पहले दिल्ली का प्रदूषण मुक्त करने का प्लानिंग हो रहा है, उसको करें। उसके लिए हम दुबई के कंपनी से एग्रीमेंट हो गया। इसके बाद हवाई जहाज जो हमारे दिल्ली का एयरपोर्ट जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है वो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है और वहाँ कोहरा की वजह से हवाई जहाज नहीं उतरती, तो उस पर भी हम लोग काम करने जा रहे हैं कि कोहरा कैसे खत्म हो। जैसे दुबई में कोहरा खत्म हो गया वैसे इंडिया में बहुत जल्द खत्म होगा, उसका एक प्लानिंग चल रहा है जो श्रीनिवासम अगर रात में मेहनत कर रहे हैं। और हमारा उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के यहाँ फाइल पड़ा हुआ है, बहुत जल्द जो है उस डिपार्टमेंट से बातें होगी और उसमें हमारी कंपनी सबसे आगे होगी, जिसका हम कंपनी का एग्रीमेंट आपको देंगे और सब कुछ अभी दे रहे हैं जिसको आप छाप सकते हैं कि दुबई से एएमयू हुआ है दिसंबर में और अगले महीने में हम लोग कुहारा पर काम करना शुरू करेंगे। यानी कुल मिलाकर किसानों की आय भी बढ़ा रहे हैं आप, और किसान किसान के लिए तो जो हम मशीन लाए हैं ये हिंदुस्तान में पहला आदमी हम है जिसका एग्रीमेंट करके लाए हैं। तो ये चीज हम आपको दे रहे हैं कि ताकि आप देख ले हमारा एग्रीमेंट हुआ है दुबई की कंपनी से और ये किसानों का इनकम भी बढ़ा रहा है और साथ साथ उसको सम्मिलित करते हैं, इसके लिए फोटो ले लीजिए। ठीक है सर, ले लूंगा रिपोर्ट। प्रदूषण मुक्त करने का पहला प्लानिंग है। तीसरा जो होता है कि मछली पालन में, मुर्गी पालन में भी हमारी कंपनी बहुत काम करने जा रही है। उड़ीसा गवर्नमेंट जो हमको वहाँ इन्वाइट किया है, जो अगला महीना में हम उड़ीसा जा रहे हैं मछली पालन का डेवलप करने के लिए, उसी तरह कृषि में जो हमारा मशीन है तीन गुना देने जा रही है। एक एक रुपया लगाइए और तीन रुपये पाइए का हिसाब जो है हमारी कंपनी करने जा रही है। इसमें भी हम पहले बता दें कि बनारस से हम शुरू कर रहे हैं, पहला टारगेट हमारा बनारस है, उसके बाद जो है सिवान पटना जो हम लोग बिहार में होता है, लेकिन फर्स्ट बनारस इसलिए कि मोदी जी का क्षेत्र बनारस है, उनके लोग उनको दिखाए कि हम लोग कृषि पर क्या क्या काम कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो वहाँ हम 100 एकड़ में अमरूद लगाने की प्लानिंग किया है। अमरूद का खेती जो है बनारस में शुरू होगा और बहुत जल्द शुरू होगा उन्हीं के कंस्टिट्यूएंसी से, जिस कंस्टिट्यूएंसी में हमारे देश के प्रधानमंत्री जीते हैं और जिस गांव को उन्होंने गोद लिया है अधिकतर करके उनके गांव में, उस गांव में हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा जमीन लिया जाए और एक अमरूद लगाया जाए। उसके अमरूद के साथ साथ तरोई एक होता है, तरोई का भी खेती वहां होगा। ये दो चीज का खेती हम पहले बनारस में शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए वहां हमारे अश्विनी कुमार पांडे हैं जिनको हमने इंचार्ज बना दिया, वो जमीन खोज रहे और काम में लगे हुए। ठीक है सर, आपने तालाब सफाई की बात कर दी और मोदी जी चाह रहे हैं गंगा की सफाई हो जाए, तो ऐसे में आपकी कंपनी को सहयोग कर रही है? हमारी कंपनी अभी गंगा पर काम नहीं कर रही, हमारे काम कंपनी कश्मीर में, कश्मीर में कौन झील है वो झील जो है भूलर झील लेखा जो झील है उस पर हम लोग काम करने जा रहे हैं। कश्मीर में एक झील है झीलम झील के कौन झील, उसका सफाई में हम लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और उसको सफाई का प्लानिंग चल रहा है। अच्छा, कश्मीर दिल झील होता है, दिल झील पर हमारा प्लानिंग चल रहा है। महुआ जी की हमारा आदमी बात कर रहा है और स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों कि ताकि हिंदुस्तान के लोग कश्मीर जाए और कश्मीर जो स्वर्ग था जन्नत था उसको जन्नत लोग माने और वहां जाकर देखें कि सफाई कैसे हुआ कैसे चुनाव चल रही। पर्यटन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। तो हमारी कंपनी जिस जितना भी प्रदूषण मुक्त चीज है उस पर काम कर रही है। किसानों को पानी शुद्ध दिया जाए, इंसानों को पानी शुद्ध दिया जाए, इसलिए जितना भी मशीनें हैं पानी पर है हमारा, तो जो भी काम है पानी से हवा से, ये प्रदूषण मुक्त जो हम दे रहे हैं आपको प्रूफ दे रहे हैं जिस पर हम काम कर रहे हैं। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, केजरीवाल के यहाँ भी हमारी फाइल पड़ी हुई है, केजरीवाल के यहाँ पड़ी हुई है, प्रधानमंत्री के यहाँ पड़ा हुआ है। अब इसको जितना जल्दी ये लोग क्या करेगा हमारा काम शुरू हो जाएगा। केजरीवाल साहब के यहाँ फाइल पड़ा हुआ है तो वहाँ यह हो गया कि बिना गवर्नमेंट का कुछ होता नहीं, फिर गवर्नमेंट के यहाँ भी हमारा आदमी लगा हुआ है, गवर्नमेंट साहब से कैसे बात हो। तो दोनों स्टेट में सबसे यहाँ सबसे बड़ा बीमारी है कि गवर्नर साहब जब तक नहीं करेंगे कुछ होना नहीं है, तो दिल्ली सरकार की हालत है
और सेंट्रल बैंक बिना प्रधानमंत्री की कुछ होगा नहीं, इसलिए हम अपने पेपर और मैजिक के थ्रू हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कृषि मंत्री, हमारा राधामोहन सिंह से भी बात हुई है, राधामोहन सिंह बोले कि हम इसको डेवलप करेंगे, हर चीज देंगे, लेकिन सब होने के बाद जब तक मीडिया नहीं चाहेगी, न प्रधानमंत्री सुनेंगे, न राष्ट्रपति सुनेंगे, और न हमारे कृषि मंत्री राधामोहन सिंह सुनेंगे, तो आपके माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि हमारे फाइल को देखें, आप देख कर इस काम को लोग करें कि देश दुनिया में ख्वाजा का नाम हो और उसमें हमारे प्रधानमंत्री के नाम बढ़े कि भाई प्रधानमंत्री आए तो कुछ नया काम किए, ताकि आजादी के बाद पहला हमारी कंपनी है जो दुबई से MI की है, 12 दिसंबर को दिल्ली में जाकर दुबई जाकर तो ये सब काम हम किया, इसमें देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो लोग भी चाहे इस काम को इंटरव्यू ले, देखें और इस काम में अंजाम दें। ओके सर, थैंक यू।